मानव का सामंजस्य विगत दो कार्यकालों में कुछ डगमगाया है। अधिवक्ता समाज और अधिवक्ताओं की गरिमा भी कुछ कम हुई है उन्नाव के, तो अधिवक्ता समाज को, अधिवक्ताओं को उन्नाव बार एसोसिएशन की गरिमा को पहले की तरह स्थापित करना, और चूंकि मैं 6 बार अध्यक्ष पहले भी रहा हूँ, 7वीं बार निर्वाचित हुआ हूँ, हमारे पिछले कार्यकालों में बार और बेंच कार्यपालिका का सामंजस्य बहुत अच्छा रहा है। ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कार्यकाल में ये सामंजस्य पहले की तरह ही नहीं होगा बल्कि और मजबूत होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब तक बार बेंच और कार्यपालिका का सामंजस्य मजबूत नहीं होगा तब तक न वादकारियों को, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और न हम सबको सम्मान मिलेगा। अधिवक्ताओं के मरणोपरांत जो 75,000 उसको बढ़ाया गया, इसके लिए हमारे महामंत्री ने बताया आपको, मैंने 2016 ये स्कीम, मैं विधव बता दूँ, मैं बार काउंसिल वोट मांग रहा था फैजाबाद में, उसको वहाँ 1 लाख मिलता था, वहाँ से प्रेरित होकर मैंने अपने प्रथम कार्यकाल में 5,000 से शुरू किया, कार्यकाल समाप्त होते होते हमने इसको 10,000 किया। संयोग से अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से मैं दोबारा लगातार अध्यक्ष चुना गया, तो मैंने दूसरे कार्यकाल में इसको 20,000 किया। हमारे स्वर्गीय अधिवक्ता साथी और पूर्व अध्यक्ष सतीश दुबे जी ने इसको 30,000 किया। इस बीच में मॉडल बायलाज के आ जाने से चुनाव नहीं लड़ सका, और जैसे ही मैंने 2012 में पहला चुनाव लड़कर सफलता तीसरे कार्यकाल प्राप्त की, मैंने इस धनराशि को 50 किया। 2014 में फिर जीते तो इसको मैंने 75,000 किया, 60,000 किया, और 2016 में जाते जाते मैंने इसको 75,000 किया, 1 लाख किया, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा। उसके बाद फिर मैं जब 18 में जीता तो मैंने इसको 1 लाख किया, फिर नहीं लागू किया गया। आज से ही, हालांकि एक औपचारिक घोषणा है, विधिवत घोषणा लोग सोमवार मंगल को जब कार्यकारी बैठक करेंगे उस पर ले आएंगे, विधिवत लिखा पढ़ी में जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाएगा 2-1 दिन में, उसी दिन से घोषणा आज से प्रभावी है। लेकिन आज से कोई हमारे अधिवक्ता साथी कहीं चले नहीं जा रहे हैं, हमारे बीच रहेंगे।